हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्खीर। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं, पहली बार मैं देख रहा हूं सज्जाद जानी ऑफिशियल जो है उनके मुशायरा, उनकी कुछ शायरी, फनी शायरीज वगैरह होती हैं। मजा आएगा देखने में। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, पाकी बात हम करेंगे बाद में, रिएक्शन में बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सज्जाद जानी प्रोडक्शन है इसके, यही है मेन सज्जाद जानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सज्जाद जानी, आप देख रहे हैं सज्जाद जानी ऑफिशियल। यही है नाज़रीन, मुशायरा एक बहुत सुलझी हुई एक महफिल का नाम है जिसमें आप शेर व शायरी करते हैं। आज के इस मुशायरे में हमारे साथ जो शोरा कराम है, शोरा यानी ज़्यादा शायर जो होते हैं उनको शोरा कहते हैं, शोरा पंजाबी में शारा, शोरा शोरा कराम हो जाए, शोरा। हाँ यह शोरबा कलाम कराम। और आज इस महफिल में नई शायरी के साथ मैं हाजिर हूँ और अपने शायरों का तारुफ करवा दूँ। मेरे बाएं हाथ फैसल कमीना कामना कामना, आपने कमीना लिखवाया है सर, चले जी आप फैसला करें ये कामना है कि कमीना है। दूसरी साइड पे मेरे साथ मेरे दाएं हाथ मिठा शलवार पूरी, शलवार पूरी, शलवार पूरी, और तीसरे हैं फरीद पिचकारी। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। प्रोग्राम का आगाज इस शेर से करता हूं, आतिशे मुकद्दम बहरो बर बगले, आतिशे मुकद्दम बहरो बर बगले, चंदन कबीरा लाला गुल कतीरा। वाह वाह भाई, क्या कहते हैं। सबसे पहले दावत देते हैं फैसल कमीना को कि वो अपनी शायरी से हमें मुस्तफीज करें। सर मैंने दरख्वास्त दी है नाम तब्दील करने के, अखबार में इश्तिहार भी दिया, उन्होंने मना कर दिया उन्होंने कहा यही रहना। उन्होंने देखा कि उन्होंने नाम पढ़ा तो उन्होंने कहा यार इससे बेहतर हम क्या रखोगे। जी सर ये क्या है। सर ये हमारी खानदानी शॉल है, ये काफी लंबी थी, आपके पास जगह थोड़ी थी तो मैं इसलिए छोटी करके लेके आया हूँ। इसका क्या इस फायदा क्या है, मतलब इसका क्या आप बताना चाह रहे हैं। सर ये शाल से शायरी निकलती है। वाह शाल से शायरी, वाह वाह वाह, अल्लाह दीन बच्चे का भी क्या। कैसे शायरी निकलती है सर ये देखें, वाह 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 किबला, इस शाल से कोई 150 नहीं निकलता माशाल्लाह। सर किबला पहला शेर मुख्तसर सा कहूंगा। हाँ जी, मिशिले यार ये आप पहले अच्छी आवाज में बोल रहे थे, निशीली आपने ऐसे कटे की आवाज में निशीले। आप एक काम रखे ना, जिसमें बात करो उसी में बोले ना, हर शायर का स्टाइल। अच्छा ये आपकी वो है अंदाजे बयां, निशीली आंखें वाह धीमा ले जा, वाह वाह निशीली आंखें धीमा ले जा, हुसन तो कयामत है, हुसन तो कयामत है, निशीली आंखें धीमा ले जा, हुसन तो कयामत है, वल्लाह हम फना हो जाएंगे खुद को शीशे में देखते देखते। खत्म हो गया जी। हाँ जी ये थे सर, अगला दोबारा आते हैं वापस राउंड लेके। एक छोटी सी लाइन थी इसका अगले वाला हिस्सा। जी जी, निशीली आंखें धीमा ले जा, हुसन तो कयामत है, हम फना हो जाएंगे खुद को देखते देखते। वाह वाह, आज मैंने आईना देखा तो एहसास ये हुआ, वाह वाह कि खूबसूरत लोग आज भी मौजूद हैं दुनिया में। पीछे खड़ा सी कोई, पीछे को खड़ा भी नजर आ रहे शीशे च, नहीं आईना पाटा सी ओदे विचों दी अगे को बंदा सी, आईना पाटा सी आईना टवीरे दा सी। ये थे फैसल कमीना बद्दयानती। अब मिठा शलवार पूरी। अच्छा ये आपने शलवार पूरी क्यों रखा है, मतलब क्या मतलब है। मेरे से कसम ले लेकर मैंने रखा हूं। जी मिठा साहब शलवार पूरी माशाल्लाह। अच्छा ये आपने पेंसिल लगाई है आप, मतलब इंचों के हिसाब से शायरी करते निशान लगा।
शेर मतलब मुझे कहीं ना कहीं शेर बनाना पड़ जाता है। अच्छा अच्छा, शायरी को मतलब रंदा लगाने आए आप, क्या मतलब पल्स लगा लिया आप? अच्छा मतलब पार्ट उठाए जरा, क्या पार्ट उठाए? कौन सा उठाए यार पार्ट? उसने मुझे कहा, उनको बताओ मुझे क्यों बता रहे हो, उसने मुझे कहा कि मिलके दुनिया एक बनाएंगे। वाह वाह वाह, उसने मुझे कहा कि मिलके दुनिया एक बनाएंगे। वाह रे वाह, अच्छा वाह। जलने वाले जलते हैं, जल जल के मर जाएंगे, अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मीठे वाह मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। क्या बात है आपकी, ये थे मिठा शलवारपुरी। अब फरीद पिचकारी आपकी खिदमत में हाजिर है। जी फरीद पिचकारी साहब, ये कौन सी पिचकारी? शुक्रिया, ममनून ननुआ मशकूर हूँ मैं, जा फिराजे अश्क में हम रहते हैं बहते हुए दरियाओं के, आंगन का अपार है हमारे हमराह है तुम्हारी यादों के नीचे। जी वाह वाह वाह, ये नहीं, ये है फरीद साहब, फरीद पिचकारी। मोहतरम मैं अभी अपना आगाज कलाम करने वाला हूँ। अच्छा, ये अभी शेर नहीं था? नहीं नहीं, ये तो मैंने आपको वो तमहीद बांध के। अच्छा चले चले जी, मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ। तमहीद अपना ठीक बांध के जानी, पिछली बार भी आप गए थे तमहीद खुल गई थी पीछे। एक दिन तन्हाई पे वो मुझे रोक के कहने लगी, तुम्हें के तुम्हें के तेरा, तुम्हें के तुम्हें के तेरा, पूछो ताकि रो पूछो नगी। शुक्रिया। ये थे फरीद थुकनवी, थुक दिया फरीद थुकनवी, शुक्रिया अदा फरीद छिट्टावी। दूसरे राउंड का आगाज इस शेर से करता हूँ। असफंदे बख्श में तला तुम जमाना, कुलबशे हिंदो दुनिया लकीरा। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया, इसको गुड लगा दे सर। इसका कुछ तर्जमा हो गया, इसका तर्जमा तो वो उसका होता है ना, जो कोई मतलब इंग्लिश में या अरबी में मैं कहूँ, ये तो उर्दू है। तला तुम गाना नहीं सुना? वाह वाह गाना। नाज़रीन अब दावते कलाम है फैसल। यार मेरी घड़ियां आ रही हैं देखने को, हैं ये दो क्यों पहनी है? दो घड़ियां, दूर की है ये नजदीक की है? यार वो ऐनक होंगी है, ऐनक तो फिर दरमियान की होगी, दरमियान में रखी देखे ना नक पे। फैसल कमीना साहब अपना कलाम से आपको मुस्तफीज करेंगे। बहुत बुरा लग रहा है मैंने। बहुत प्यार करता हूँ उससे, वाह वाह, बहुत प्यार करता हूँ उससे, वो सदा रहे आबाद। वाह, बहुत प्यार करता हूँ उससे, वो सदा रहे आबाद, बाबा जी फैसलाबाद, बाबा जी फैसलाबाद। वाह 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 वाह, बाबा जी रूठने से दिल पे लगी चोट। हाँ, उसके रूठने से दिल पे लगी चोट, बाबा जी सियालकोट, बाबा जी सियालकोट। वाह 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 वाह, हम उसके घर गए, उसने फेंका हम पे कूड़ा, बाबा जी शेखुपुरा, बाबा जी। ऐसे तो फिर मैं भी शायरी कर सकता हूँ। हम रहे उसके इश्क से अनजान, आगे बोला मैंने क्या कहना है? बाबा जी मुल्तान, नहीं बाबा जी मियां वाली, बाबा जी मियां वाली। काश मेरा और उसका हो जाए बंधन, हाँ बंधन, बाबा जी लंदन, बाबा जी। यार वाह बहुत अच्छे। और पागलों की तरह भटक रहा हूँ मैं पार निकल गया अहमदाबाद। हमेशा बड़ों की खिदमत करनी चाहिए, ये पैगाम है पूरी दुनिया के नाम। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, हमेशा बड़ों की खिदमत करनी चाहिए। बाबा जी किला दीदार सिंह, बाबा जी किला दीदार सिंह। शायरी के तुझ में नहीं है इंसानियत, शायरी का हुनर, बाबा जी लानत, बाबा जी। शेर नहीं मिला, शेर मिला ही नहीं, कदीफ राफिया नहीं मिला, कदीफ कदीफ राफिया, कदीफ राफिया। मेरा पैगाम उन आशिकों का नाम, जिनको मोहब्बत में धोखा हुआ, जिनको अपनी मोहब्बत ना मिली, जिनको मंजिल ना मिली, ये मेरा पैगाम उन दोस्तों के नाम। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ओले 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 गर्मी थी बहुत और हमने लिए आम, कुछ निकले सख्त और कुछ निकले पोले, ओले 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 ओले।
कूली। अपनी बीवी की लगाई शिकायत अपने ससुर को। वाह वाह ये सही वा, है। नहीं अपनी बीवी की लगाई शिकायत अपने ससुर को। उन्होंने कहा बकवास ना कर। गरजते हुए वो बोले 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 बोले। और इश्क में आखिरी जो मैसेज था ये मेरी गजल का मकसद था वो यार मकागा। इश्क में गिरफ्तार हो गए हम। हाँ इश्क में गिरफ्तार हो गए हम। वाह पुलिस वालों ने किए काफी लितर बोले ओले 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 ओले। अर्ज किया है मेरा खुदा का ना इधर देख लिया गिरते हैं सजदों में हम। यार मैं बकवास वाली शायरी नहीं करूंगा मैं जेन्युइन शायरी करूंगा। गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों की खातिर इकबाल। वाह अगर गिरते सिर्फ इश्क खुदा में तो कोई हसरत अधूरी न रहे। क्या बात है। अपनी किसी भी ख्वाहिश को जुनून मत बनाना। क्योंकि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें कभी भी नहीं मिलती। हम चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें बेकार है। ये जुनून जो होता है ये अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। इसमें हमने इसको हमने अच्छे तरीके से देखना है। पंजवी दी किताब खोल ली सर जी। मतलब के बिना किसी को कौन पूछता है साकी। अच्छा ठीक है मतलब के बिना किसी को कौन पूछता है साकी। बगैर रूह के तो घर वाले भी नहीं रखते। बहुत सही। मैं एक दर्द हूँ साहेब। मैं पैनाडोल हूँ साहेब। दर्द की दवा। मैं एक दर्द हूँ साहब और दर्द भला कौन सहता है। तुमसे तो अच्छी शायरी है। दिल में उतर जाने वाली शायरी तस्वीरों और आवाजों के साथ है। नहीं सॉरी वो मुझको देख के करती है अगर मगर। मेरा दिल ले गई हो कमो के घर। मेरा दिल ले गई हो कमो के घर। क्या बात। मैं सलवार पूरी अब फरीद पिचकारी। मैं शायर सुराय की जुबान शायर सुनादा पिया जी। असा यार डिडम है। असा यार डिडम डिडम डिडम। असा यार डिडम तेरा प्यार कडम। तेरा हिजड घडम सड ना सड नैन चडम। मेडा दू वेले दा हिक ढोला मिकू दखम डिटोई ढोला ढोम डडम। क्या है ये क्या है। बेवतना हूक शडुल कीता। लकी पीच सठाई मेडा कूलर थी। मेडा वेस्पा पिपली चढ़ बैठा। मेडा जैकेट थी दो जेब बांटी। ओ कडूम नहीं आया एंड दे जैकेट थी दो जेब थी। सर ये महबूबा का नाम अपना पैगाम दूंगा। जी जी सर आखिरी शेर है मेरा इस गजल का। खुदा ने उसे हसीन बनाया। मैंने भी दिखाई यार वो बकवास ना करो। चलो खुदा ने उसे हसीन बनाया। तस्वीर है उसकी। तस्वीर है उसकी। सर उसके अबू भी हैं। चार भाई भी हैं उसके। अच्छा देखना आपने। नहीं नहीं थैंक यू। खुदा ने उसे हसीन बनाया खूबसूरती दी। हरनी जैसे आंखें दी रेशम जैसे बाल दिए। ओए गुलाब की पंखड़ियों के जैसे फूंक दिए। यार मेरी नु छड़ तेरी लप दे उस्ताद जी लतीफा दा शेर। अच्छा सिचुएशन ते उदा दी है। बस है ये तो बंदा भी उदा दी। दादा राशना तेरे प्यार में दादा देख क्या हा हाल है। अच्छा जिस्म है नना ना तवा खखा खोपड़ी टटा टाल है। दादा रंग ढंग तेरे देख कर मम मैं इधर तत तंग हूं। दादा दिल लगी में कहूं इसे या 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 तेरी ये कोई चाल है। चाल है। और पापा पिछले खत में ये क्या लिखा कि मैं शक्ल से ढोल हूं।
मामा मेरा कद डेढ़ फुट बाबा बंदरो सी चाल है, मैं जो भी हूँ बाबा बदनुमा तो तू कोई मामा मेम है, तथा तेरे होंठ से भी है हसी मामा मेरी मूछ का बाल है। शुक्रिया लभी बाबा, बहुत मामा मजा आया, दिल जले वाली लख दी तेरे ते ललानता। ओले 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 मेरी बारी आ, बड़े मुंह तेरे मामा मुंह ते मेरी बारी आ हुन। चलो जी, मेरा दिल उसके फिराक में रोता है। फिराक जड़ा पाया हुंदा नहीं, ओ फिराक वाया पाया, वाया वाया जुदाई वाया। अच्छा मैं कह रहा हूं फिराक च वड़ के रोंदा नहीं, फिराक नहीं। मेरा दिल उसके फिराक में रोता है, उसी के इश्क में मरता है, उसी के इश्क में सोता है। उसने हल्की सी मुझको ये बात कही, मेरी मम्मी कहती है जो कहता है वही होता है। लो जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो खत्म हो गया, प्रोग्राम कहते शुक्ल मेला लाई दा सी, ते इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम फिर थोड़ा आदर हो। असल च पता की गल ऐ, बड़ा मजेदार लगता है। मैंने बड़े लोगों ने कहा कि जो तुम रजाई रजुई च वड़ के या कितने बैठे कर रहे होंगे ना, तो सानू असी भावें दूजे मुल्क जमीन है, सानू इंज लगता कि असी तुहाडे नाल बैठे हैं। कमेंट से एक कुड़ी ने कहा कि जिन्ना ईजी तुम शो करते हैं ना, इन्ना कोई नहीं ईजी कर मसला साधा ही बह के। ਸਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲੈਂਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੇ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਇਹ ਤੇ ਸੱਜਾਦ ਜਾਨੀ ਕਾ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਵੀਡੀਓ ਥਾ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸਕੋ ਦੇਖ ਕਰ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਥੀ, एक से एक नाम थे, मतलब नामों से ही शुरुआत में ही हंसी आ गई, एक कमीना सलवारपुरी एंड एक और थे, तो उनके नाम सुन के ही हंसी आ गई, और बीच बीच में एक दूसरे को टोकना और अजीब अजीब तरीके की शायरियाँ, तो यही शो इसको यूनिक एंड मज़ेदार बनाता है। जिसको मैंने इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, मेरा रिएक्शन आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा, और हर चीज़ में इसमें फ़न था, सुनने में मज़ा, चाहे वो गानों से रिलेटेड शायरी हो या फिर ओले ओले हो या कुछ भी हो। एक में तो जो सज्जा जानी थी वही सुना रहे थे, शेर सुनाते सुनाते कहीं लंबे निकल गए, ऐसा लग रहा था मैसेज पढ़ रहे हैं, तो मज़ेदार चीज़ थी वो, सारी पंचेज सारी चीज़ें इसमें, सारी शायरियाँ मज़ेदार थीं, फुल टू एंटरटेनिंग शो है, मज़ा आया इसको देखकर, पहली बार देखा था। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, अगर ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आया तो लाइक करके शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।